आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट फ्री वीपीएन इन इंडिया फॉर 2020। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहां पर मैं यूजुअली होस्टिंग वीपीएन और डिजिटल टूल्स के रिव्यूज करता रहता हूं। सो फ्री वीपीएन को मैं यूजुअली अवॉइड करता हूं और उसे रिकमेंड भी नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि फ्री वीपीएन में क्या खराबी होती है, कौन कौन से पॉपुलर फ्री वीपीएन है जो आपको नहीं यूज करने चाहिए, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो कुछ एक्सेप्शंस भी है, ऐसा नहीं है कि सभी बेकार है, कुछ एक्सेप्शंस है बहुत छोटे जो कि अच्छे भी हैं। आज हम उन्हीं एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मेरी रिकमेंडेशन में अगर आप लोगों का यूज ज्यादा है, अगर आप लोग ट्रैवल ज्यादा करते हो तो आप लोगों को एक पेड वीपीएन लेना चाहिए। पेड वीपीएन का भी मैं डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूं, वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्री वीपीएन। ठीक है, आप लोगों का यूज कम है, आप लोग कुछ लिमिटेशन के साथ में जी सकते हो, तो फिर फ्री वीपीएन अच्छी चीज है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर लिस्ट। सबसे पहला हमारी लिस्ट में जो वीपीएन है वो तब यूज करना है जब आप लोगों को कोई वेबसाइट को अनब्लॉक करना हो या फिर अपने आईएसपी से कोई इंफॉर्मेशन हाइड करनी हो। तो उसका नाम है Cloudflare DNS .1.1.1.1 के नाम से आता है। सो ये ट्रेडिशनल वीपीएन जैसा नहीं है, ये एक्चुअल में डीएनएस सर्विस है जिसको आप लोग यूज कर रहे हो। अभी तक बाय डिफॉल्ट आप लोग जो आपका आईएसपी प्रोवाइडर है, जैसा मेरा एयरटेल है, तो मैं एयरटेल की यहाँ पे डीएनएस सर्विस यूज करता हूँ। मैंने कहा कि अब मैं Cloudflare की डीएनएस सर्विस यूज करूंगा जो कि बहुत फास्ट है। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपके आईएसपी के पास आपकी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, दूसरा आप लोग वेबसाइट को अनब्लॉक कर पाओगे जो आपके रीजन में ब्लॉक्ड है। अगर मैं इसकी प्राइवेसी की बात करूं तो दे डोंट कीप लॉक्स, Cloudflare ने ये मेंशन किया है। 24 आवर्स में वो सारे लॉक्स को डिलीट कर देते हैं और उन्होंने एक सेपरेट ऑडिट भी करवाया है KPMG फर्म से। सो यू कैन बी श्योर कि दे डोंट कीप लॉक्स। स्पीड की बात करूं तो इट्स रियली फास्ट, बहुत तेज है ये बाकी वीपीएन जैसा नहीं है, ट्रेडिशनल वीपीएन जैसा ये नहीं है, ना ये उसके जैसा वर्क करता है, ये थोड़ा अलग वर्क करता है। एंड यहाँ पर आप लोग सिर्फ अपने डीएनएस सर्विस चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को आपकी स्पीड में कोई भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो आपकी ओरिजिनल स्पीड है वही उसी के अराउंड यूजुअली स्पीड मिलेगी। डेटा लिमिट्स की बात करो तो कोई भी डेटा लिमिट यहाँ पर नहीं है, जितना एक्सेस करना है जो देखना है अनलिमिटेड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ड्रॉबैक की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग सर्वर्स को चेंज नहीं कर सकते जैसा ट्रेडिशनल वीपीएन में होता है कि मैं यहाँ पर भोपाल में बैठा हूँ, मैंने यहाँ पे इंदौर के सर्वर्स ले लिए हैं या मुंबई के सर्वर ले लिए हैं या यूएस के सर्वर ले लिए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सर्वर्स को आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो और क्योंकि आप लोग सर्वर्स को चेंज नहीं कर सकते हो तो इंफॉर्मेशन आप अपने आईएसपी से हाइड कर रहे हो, लेकिन जो वेबसाइट को आप विजिट कर रहे हो उस वेबसाइट को पता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपका आईपी एड्रेस क्या है, तो वेबसाइट वाले को एग्जैक्ट लोकेशन आपकी पता है। सबसे बड़ा जो इसका मेजर फायदा है वो अनब्लॉक करने के लिए ही है कि बहुत सारे लोग अनब्लॉक करने के लिए वीपीएन यूज करते हैं। किस टाइप की वेबसाइट्स अनब्लॉक करते हैं वो शायद से आपको मुझसे बेहतर पता होगा। तो अगर आपको अनब्लॉक करके कुछ देखना है, कुछ भी एक्सेस करना है, तो Cloudflare DNS बहुत अच्छा है उसके लिए। तो अब इसको यूज कैसे करना है, मोबाइल ऐप में तो काफी सिंपल है। Cloudflare DNS आप सर्च करो, Cloudflare 1.1.1. का ऐप मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर दो, उसको टर्न ऑन कर दो, काफी इजी है, मोबाइल एंड्रॉइड में इजीली वर्क कर जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, मैकबुक में इंस्टॉल करना है, विंडोज में इंस्टॉल करना है, तो फिर आपको अपने सिस्टम की DNS सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अपने राउटर के DNS सेटिंग को चेंज कर दो और जो बाय डिफॉल्ट इसको Cloudflare DNS पे सेट कर दो। तो ये चीज़ कैसे करनी है, इसके लिए मैं कुछ नीचे रेफरेंस आर्टिकल्स दे दूंगा, इजी है, आप उसको पढ़ के अपने आप इसे कॉन्फ़िगर कर पाओगे। सो Cloudflare DNS को ज़रूर यूज़ करें, फ्री है, फास्ट है, वेबसाइट अनब्लॉक भी कर सकता है एंड इसके कुछ ज़्यादा मेजर ड्रॉबैक्स नहीं है। सेकेंड है प्रोटॉन VPN। इसका भी नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, प्रोटॉन VPN इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस VPN आउट देयर। सो प्राइवेसी की बात करो तो ये लोग डेटा लॉग्स नहीं रखते हैं जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा मिलता है, कोई लिमिट नहीं है, जितना सर्व करना है जो देखना है देख सकते हो आप लोग। स्पीड की बात करूँ तो क्योंकि ये फ्री है इसलिए यहाँ पर आप लोग को स्पीड लिमिटेशंस देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी इट डिपेंड करता है कि उस सर्वर पे लोड कितना है। जो मुझे जो स्पीड देखने को मिली है, मेरी यूजुअली स्पीड 40 Mbps डाउनलोड की रहती है, तो मुझे 30 Mbps तक की मिली है US सर्वर्स पे और 8 Mbps तक की भी मिली है। तो स्पीड में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं क्योंकि फ्री है, क्योंकि यहाँ पे सर्वर पे लोड होता है, काफ़ी लोड होता है इनके सर्वर्स पर, तो उस हिसाब से यहाँ पे स्पीड वेरी करती है, कंसिस्टेंट स्पीड्स नहीं देखने को मिलती है हमें यहाँ पर।
अब अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो फ्री प्लान में सिर्फ 3 ही लोकेशंस आप लोगों को मिलेगी, एक जापान, एक यूएस और एक नीदरलैंड्स। डिवाइसेस की बात करो तो एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज, लिनक्स सब में इसका सपोर्ट है। ज्यूरिसडिक्शन की बात करो तो स्विट्जरलैंड में है, जो कि 14 आईज में नहीं आता है, तो प्राइवेसी के हिसाब से काफी अच्छा प्रोटॉन वीपीएन है फॉर फ्री। सो दिस वीपीएन इज आइडियल फॉर प्राइवेसी, रेगुलर ब्राउजिंग करनी है आप लोगों को, आप लोगों का यूएस का कुछ कॉन्टेंट एक्सेस करना है, अगर आप लोग कुछ यूएस के ऑफर्स को अनलॉक करना चाहते हैं, जैसे कभी कभार होस्टिंग और वीपीएन में जो डील्स आती है वो सिर्फ यूएस वालों के लिए रहती है डील्स के लिए। वैसे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहता हूँ। तो अगर आपको उन चीज़ों को एक्सेस करना है तो बेस्ट यही है कि हम एक प्रोटॉन वीपीएन यूज़ कर लें, वहाँ पे यूएस का सर्वर सेलेक्ट कर लें एंड देन उन डील्स का फायदा उठा लें। थर्ड इज विंडस्क्राइब। विंडस्क्राइब भी एक काफ़ी अच्छा फ्री वीपीएन है, यहाँ पे डेटा कैपिंग है लेकिन 10 GB पर मंथ की। तो प्राइवेसी की बात करें तो ये भी डेटा लॉग्स नहीं रखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जो ये लोग लॉग रखते हैं फ्री वालों के लिए, वो सिर्फ इतना रखते हैं कि आपने कितना डेटा यूज किया है, कितना डेटा आपने ट्रांसफर किया, कितना अपलोड और डाउनलोड हुआ है, तो जो कैपिंग करी गई है उसको ये लोग एक्चुअल में ट्रेस कर पाए। अब अगर यहाँ पे मैं लोकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे 10 कंट्रीज मिलती है फ्री वीपीएन में। सबसे ज्यादा कंट्रीज, सबसे ज्यादा लोकेशन यही दे रहा है, यूएसए, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, रोमानिया है, स्विट्जरलैंड है, यूके है और हांगकांग भी है। तो काफी ज्यादा ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं विंडस्क्राइब के ऊपर। स्पीड की बात करो तो मुझे यहाँ पे स्पीड ज्यादा अच्छी देखने को मिली है कंपेयर टू प्रोटॉन वीपीएन, क्योंकि यहाँ पे डेटा लिमिट है एंड इनकी लोकेशंस भी ज्यादा ये लोग दे रहे हैं फ्री प्लान में, 10 लोकेशंस आपको मिल रही है। जो मेरे टेस्टिंग में मुझे रिजल्ट मिले हैं, मैंने यहाँ पे लंडन के सर्वर पे टेस्ट किया, मुझे 31 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड्स मिली थी, जो कि काफी अच्छी है। डिवाइसेस की बात करूँ तो बहुत सारे डिवाइसेस ये सपोर्ट करता है, लैपटॉप्स हैं, मैकबुक, iOS, एंड्रॉयड, लिनक्स, इसके बाद एक्सटेंशंस भी ये सपोर्ट करता है, क्रोम एक्सटेंशन है, मोज़िला फायरफॉक्स है, अमेज़न फायर टीवी है, तो यहाँ पे डिवाइसेस का सपोर्ट फुल ऑन आपको मिलेगा। इसके बाद ज्यूरिसडिक्शन की बात करूँ तो कनाडा में है इसका ज्यूरिसडिक्शन, जो कि 14 आईज में आता है, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन इट्स स्टिल गुड, ये लोग कोई लॉग्स नहीं रखते हैं। सो ये वाला वीपीएन आपको तब यूज करना चाहिए जब आपको यूएस का कंटेंट एक्सेस करना हो और एक फास्ट स्पीड में एक्सेस करना हो, या फिर अगर आप लोग कोई पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो तो आप लोग विंडस्क्राइब का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज टनलबेयर। टनलबेयर भी एक अच्छा फ्री वीपीएन है, लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि सिर्फ 500 MB आपको डेटा मिलता है पर मंथ। तो इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा डेटा नहीं मिल रहा है। वैसे ओवरऑल एक अच्छा वीपीएन है अगर आपको 500 MB डेटा यूज़ करना है तो। नेक्स्ट इज स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग के लिए देखो, स्ट्रीमिंग ना फ्री वीपीएन यूजुअली नहीं प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ, मुझे यूएस के शोज देखने हैं, यूएस का नेटफ्लिक्स एक्सेस करना है, तो फ्री वीपीएन वो यूजुअली नहीं प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इट इज़ कॉस्टली, उनकी आईपीस कॉन्स्टेंटली ब्लॉक कर दी जाती है नेटफ्लिक्स या फिर इन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के थ्रू, तो उन्हें कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है। तो फ्री वीपीएन के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है, वो है नेमचीप का। नेमचीप अभी फिलहाल अपने वीपीएन पे 1 महीने की फ्री सर्विस दे रहा है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो एंड बार बार अलग अलग आईडी से क्रिएट कर लो हर महीने, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। और नहीं करनी है तो भी उनके प्लान्स काफ़ी सस्ते हैं, 900 रुपये साल का दे रहे हैं वो आप लोगों को, तो डेफिनेटली नेमचीप आप इसमें ट्राई कर सकते हो, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। स्ट्रीमिंग के लिए नेमचीप इज गुड। नेमचीप के बारे में मैंने डिटेल में बात करी थी अपने बेस्ट पेड वीपीएन वाले वीडियो में, वो आप लोग जाके देख सकते हो। तो नेमचीप ले लो अगर आपको सस्ती मस्ती करनी है तो, अगर आप लोग फ्री वीपीएन यूज कर रहे हो, ज्यादा बड़े बड़े वीपीएन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नेमचीप इज अ गुड चॉइस। और अगर थोड़ा सा और स्पेंड कर सकते हो तो सर्फ शार्क इज अ गुड चॉइस। सो विच फ्री वीपीएन शुड यू यूज? मेरे हिसाब से सभी डाउनलोड कर लो, ये जितने 3-4 नाम बताए मैंने सभी डाउनलोड कर लो, और कोई नुकसान तो है नहीं इसमें। क्या कौन से अवॉइड करने चाहिए उसके लिए मैंने जो अपना पहला वाला वीडियो बनाया था फ्री वीपीएन वाला, वो देख लो, वो सारे वीपीएन आपको अवॉइड करने चाहिए। तो अब कौन सा वीपीएन कौन से सिनेरियोज के लिए ज़्यादा अच्छा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको अनब्लॉक करना है, क्लाउडफ्लेयर DNS का यूज़ कर लो। अगर आपको अपने ISP से इन्फो हाइड करनी है, क्लाउडफ्लेयर DNS बेस्ट है। अगर आपको पब्लिक वाईफाई यूज़ करना है, प्रोटॉन या विंडस्क्राइब या इनफैक्ट टनलबेयर का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करना है, नेमचीप यूज़ कर लो, 1 महीने फ्री है। फिर क्रोम एक्सटेंशन चाहिए, विंडस्क्राइब वीपीएन काफ़ी अच्छा है, सो यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ देम। बट आई रिकमेंड कि अगर आप लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हो, अगर आप लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हो, अगर आप लोग ज़्यादा सेंसिटिव काम करते हो, तो एक पेड वीपीएन में इन्वेस्ट करना बनता है। आप लोग एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन या सर्फशार्क, तीनों में से कुछ भी ले सकते हो, तीनों के डिस्काउंटेड लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.